दो आसमानों के बीच में जो रास्ते हैं वो हैं ब्लैक होल्स। किसी ऐसी जगह पे पहुंचा आइन हमिया कि वो एक ब्लैक कलर के मट्टी में पहुंच गया। हालांकि आइन के मतलब काफी सारे हैं। एक आइन का मतलब है आंख। जब आप ब्लैक होल को देखते हैं ना तो वो आंख ही लगती है आपको, ठीक है। वो एक ऐसी झील में पहुंचा है जो सर्कुलर आइन की तरह है और ब्लैक कलर का उसके सेंटर है। तो दुनिया में तो सूरज कहीं किसी काले रंग की मिट्टी में जरूर नहीं होता। आप इतनी तो हमें अकल आ चुकी है और कुरान से ही पता चला था। कुरान ने कहा है कि दुनिया जो है ना अंडे की शक्ल की है, रोटेट कर रही है। तो अल्लाह ताला ने खुद ही बता दिया ये सब चीजें हम इकट्ठा लेके चले तो हमें किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। अच्छा, पिछले कुछ क्वेश्चन में आपने ज़ुल्क़रनैन का बहुत ज्यादा जिक्र किया और फिर सबाबा का, पोर्टल्स का, और फिर याजूज माजूज की भी आपने काफी डिटेल में उनके बारे में बताया। आप एकदम इसको समराइज कर दें, उसमें ये बता दें कि ज़ुल्क़रनैन किस दौर में थे, वो उनकी अपनी हकीकत क्या है, जो तीन जर्नीज उन्होंने की थी स्पेसिफिकली वो कौन सी थी, और जो फिर याजूज माजूज का जिक्र हुआ है, वॉल का जिक्र हुआ है, इसके बारे में आप समराइज कर दें आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या, ताकि ऑडियंस के लिए चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि आपने बिट्स एंड पीसेस में काफी दफा जिक्र किया इसका। इसका एक पूरा मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, वो मैं उसका रेफरेंस भी आपको दे देता हूँ और उसका लिंक भी आप शेयर कर दीजिएगा। आपको शेयर कर देता हूँ सॉरी आपसे। बहरहाल मैं आपको, आपका सवाल ज़ुल्क़रनैन और याजूज माजूज, याजूज माजूज का। देखिए ज़ुल्क़रनैन के साथ जो याजूज माजूज का वाक़या हुआ वो तीन में से एक वाक़या है सूरह कहफ़ के अंदर ही। तो पहला वाक़या ये है कि ज़ुल्क़रनैन जब यहाँ से निकला, ही वेंट थ्रू द वेज, वन ऑफ द वेज, तो उसको एक कौम मिली जिस पे अल्लाह ने कहा कि इनके साथ एक टेस्ट दिया ज़ुल्क़रनैन को कि इनके साथ क्या करोगे। ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि जो आपके हुक्म के ताबे होगा, जो हक की बात पे होगा हम उसको छोड़ देंगे, जो नहीं होगा उसको सजा देंगे, बस इसके अलावा और जिक्र है नहीं। फिर अल्लाह ताला ने एक खास तरीके से बताया, वो आपको कुरान पाक से पढ़ के देखना पड़ेगा कि अल्फाज का चुनाव क्या है और वो फिर कैसे दूसरी जगह पे गया है और वो कैसे अल्लाह ने बताया। मैं आपको बस छोटा छोटा बता देता हूँ कि पहले वो उस जगह गया, अल्लाह ताला ने कहा कि जहां पे सूरज जो है ग़ुरूब होता, तबाह हो जाता, खत्म हो जाता। तो ये जो हमने जो ले लिया इसका ग़ुरूब होने का लफ्ज, सूरज के ग़ुरूब होने का लफ्ज, सूरह कहफ़ ना खोल के मैं आपको बता देता हूँ। सूरह कहफ़ मुझे दीजिए, मैं आपको आयत नंबर पचासी से शुरू कर देता हूँ। मैं आपको अगर सामने खुली हुई आपके जी, अच्छा जो फात बाबा हताइजा बला का मगरब शम से बजा दहाता गुरूफी आइन हमिया, ठीक है, यहां तक कि वो चल पड़ा मगरब मगरब शम से कि वो सूरज के उस जगह पे पहुंचा जो हमने इसको गुरूब कर दिया, क्योंकि इसका जो खैर जो जो मसदर है वो गुरूब होने का हमने लिखा हुआ है कि खत्म हो जाता है यहां पर कि वो वजह वहां पे पहुंचे ताकरूबू फी आइन हमिया के वो किसी ऐसी जगह पे पहुंचा आइन हमिया के वो एक ब्लैक कलर के मट्टी में पहुंच गया। हालांकि आइन के मतलब काफी सारे हैं। एक आइन का मतलब है आंख। जब आप ब्लैक होल को देखते हैं ना तो वो आंख ही लगती है आपको, ठीक है। वो एक ऐसी झील में पहुंचा है जो सर्कुलर आइन की तरह है और ब्लैक कलर का उसके सेंटर है। इवन हराइजन, यस यस बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब मैं असल में मैं इसमें कोई राय सब्त नहीं कर रहा हूं अपनी, मैं आपसे कह रहा हूं वन ऑफ द वेरी मोस्ट अट्रैक्टिव मीनिंग यहां पे क्यों निकलते हैं। हमिया का जो लफ्ज है हमिया, ये वो मट्टी नहीं है, ये तुराब नहीं है, हमिया है। हमिया क्या होता है, हमिया अल्लाह ताला ने हद आदम की क्रिएशन के बाद ये लफ्ज इस्तेमाल किए कि वो उस चीज, उस मट्टी, उस कीचड़, उस गीली लेसदार मट्टी से बना है आदम, ये है आई हमिया। सो देयर इज वेयर द सन एक्चुअली गोज डाउन। ये हमें अब पता है कि कोई भी सितारा ब्लैक होल के अंदर खत्म हो जाता आके, समझ रहे, और फी आइन हमिया है तो इसके अंदर ही खत्म होता है। हमें पता है सूरज कोई भी सितारा टपक जाता है नीचे की तरफ गिर जाता है उसके अंदर उस सुराख में, उस सुराख में फी गिर जाता है। सो आइन हमिया इज द आइन जो आंख बनती है ब्लैक होल की, ठीक है, एक्लेक्टिक डिस्क कहते हैं इसको साइंस में हम, उस डिस्क के अंदर ब्लैक कलर का एक वो पोर्शन होता है। अब हम ये सोचेंगे यहां पे असल में ये सवाल बनता है कि वहां पे तो कोई इंसान जा ही नहीं सकता,
वो तो शक कर लेगा उसको, साइंस तो ये कहती है। तो साइंस अभी तक किसी ब्लैक होल में गई नहीं है, इसलिए पहली बात तो ये मफूजा। लेटेस्ट स्टडी के बाद ये पता चल गया कि नहीं, कोई नहीं मरेगा उसमें, वहां जाएंगे तो कहीं और निकल जाएंगे। समझे, अब तो साइंस भी यहां तक पहुंच चुकी है कि देयर इज नो गारंटी वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इट विल गो इनटू एन ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी एंड विल गो समवेयर एल्स। नाउ ऑफ कोर्स वी नो कि ब्लैक होल जो है इट्स एक्चुअली अ होल। मेरा ये अपनी ये जो मैंने राय यहां पे अपनी कायम की हुई है, ऑफकोर्स मैं साबित नहीं कर रहा कि नहीं इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कि दो आसमानों के बीच में जो रास्ते हैं वो हैं ब्लैक होल्स, जिसको हमें पता है सात आसमान है, ये ब्लैक होल्स। सो फी आई हमिया, यहां पे आके उसको एक कौम मिली है, ठीक है, कुल नयाजुल करनैन, उन्होंने कहा है कि याजुल करनैन हमें ये मामला चल रहे हैं। मैं आपको ये करके आयत की तफसील में नहीं जा रहा, ताकि आपको मैं बस समरी बता दूं कि पहली उसको मिली है मगरिब के ऊपर जाके। इन अब इसको मगरिब का मतलब ये मत लें कि वो वेस्ट में गया, मगरिब का मतलब ये, क्योंकि मैं इसका अच्छा इसकी दलील क्या है कि भाई ये हमारे दुनिया की मगरिब क्यों नहीं है, तो दुनिया में तो सूरज कहीं किसी काले रंग की मिट्टी में जरूर नहीं होता। आप इतनी तो हमें अकल आ चुकी है, वो कुरान से ही पता चला था, कुरान ने कहा है कि दुनिया जो है ना अंडे की शक्ल की है, रोटेट कर रही है, तो अल्लाह ताला ने खुद ही बता दिया ये सब चीजों को इकट्ठा लेके चले तो हमें किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। कि क्या दुनिया में किसी ब्लैक होल के पगड़े के अंदर जाके सूरज ग्रूप होता है? नो, इट डजंट, सूरज कहीं ग्रूप नहीं होता। हाँ, अगर कहीं ग्रूप होता है तो अपने ब्लैक होल में जाके खत्म हो जाता है। समझे, मैंने फिर आपसे कहा मलका विक्टोरिया जैसी और मलका को पता चल गया था, तो जुल्करनैन जैसे बादशाह को नहीं समझ आ रही है बात कि सूरज दुनिया में ग्रूप नहीं हो रहा। ये मलका विक्टोरिया क्यों कह रहा हूं, उसको भी पूरी दुनिया पे हुकूमत हो ही गई थी ना एक वक्त में, तकरीबन सारी दुनिया उसके अंदर आ गई थी। सो अब मैं आपको आगे स्किप कर रहा हूं कुछ आयत, ताकि आपको अगली जर्नी में बताऊं। सो मात बाई सबा, ये है आयत नंबर 88 से मैं आगे चलना शुरू हो गया हूं कि भैया हत आईजा बला का मत लाई शम्स, कि अब वो सूरज के तुलू होने वाली जगह पर चला गया। ये मैंने बाकी आयत इसलिए स्किप की है ताकि मैं छोटा करके आपको सारा बता दूं कि इधर इधर क्या मामला चला, वो पहले गया कहां कहां पे पहले बता। अब वो गया उस जगह जहां पे सूरज पैदा होते हैं, उसको हम नेबुला कहते हैं, वहां पे सूरज की ओरिजिनेशन, हर सितारे की ओरिजिनेशन की एक जगह होती है, वो वहां पे गया है। वजह रहता तो लहू अला कौम, अच्छा यहां पे भी एक कौम मिल गई उसको, उसने कहा कि सुमा हाथ लहू सब भाई, तीसरी कौम हाथ आएगा बलागा भाई, मैं सदई ने वजह था मीन दून यहां कौम लाइन। अब इनके साथ ये मसला है कि इनको सूरज के बीच में कोई पर्दा नहीं है इनके। अब दुनिया में कौन सी ऐसी कौम है जिसको सूरज से प्रोटेक्शन नहीं है? मैं सबसे वीकेस्ट भी लेके जाऊंगा तो कहते हैं वो नॉर्थ पोल वाले हैं जी, वहां पे सूरज नहीं गुरु होता। क्यों, कौन कहता नहीं, मैं रहूं अलास्का में रहूं मैं सारा मेरा बचपन, सूरज छह महीने कभी निकलता ही नहीं है, गुरु तो दूर की बात है, छह महीने सूरज भी नहीं देखते वो। और उनको ऐसा कोई मसला नहीं है कि सूरज गुरु जब वो समर का टाइम होता है और सूरज हर वक्त सामने रहता है तो सर पर नहीं आता, इतना ठंडा सूरज होता है कि सूरज का कोई फायदा नहीं होता उनको। जो ये लोग कहते हैं ना वो नॉर्थ पोल में थे वहां पे सूरज नहीं गुरूब होता, तो छह महीने के लिए सूरज गुरूब होता है, उनको जुल्करनैन जैसी ताकत की जरूरत नहीं है उधर के लिए। और अच्छा समझ लें नॉर्थ पोल में होता है तो क्या किया उसने, ऐसा अभी भी वैसा ही है, अगर उसने कोई चेंज की होती तो अभी भी नॉर्थ पोल पे भी कोई मामला बदल जाते। ये सूरज तो अपने एक्सिस पे ऐसे टिल्ट करती है तो सूरज नजर आता है उनको, जब पीछे हो रहती है तो छह महीने के लिए गायब होता है। हमारे विंटर्स में सूरज का हमारा नॉर्थ पोल पीछे की तरफ टिल्ट करता है, 12 डिग्रीज का टिल्ट है हमारा। सो जो वो कौम है जिसको सूरज के साथ मसला है वो बेसिकली किसी और से आ रहे थे, उसका एटमोस्फेयर नहीं है उसका, ये मतलब बड़ा आसान है, ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी बात को। साइंस भी यही कहती है कि भाई कोई ऐसा मामला हुआ कि उनको सन की रेज जो है ना उनके पास कोई ओजोन नहीं है या स्ट्रेटोस्फीयर नहीं है, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन एट द एटमॉस्फेयर, हमें सूरज से प्रोटेक्शन नहीं है। और इसके ऊपर बाय द वे अहदीस भी है, जो वो कौम थी जो शाम को पानी के अंदर चली जाती होती थी, क्योंकि दिन को क्योंकि सूरज इस लेवल पर उनके ऊपर आता था कि वो पानी में चली जाती थी। तो कौन सा इंसान है जो पानी में जाके हदीस थोड़ा बता सकते हैं? मैं इसका रेफरेंस नीचे स्क्रीन पर लिखवा भी दूंगा, दो भाई नीचे लिख देंगे हम। अच्छा अगर बात वही है वो हदीस जईफ है जी, हदीस जईफ है, इस बारे में तो बात ही नहीं मैं कर रहा हूं कि हदीस क्या कह रही है, मैं इस बारे में कर रहा हूं कि आप बताएं दुनिया में कौन सी जगह है जहां पे जो सूरज से प्रोटेक्शन नहीं है इंसान को। टाइडल लॉक भी तो हो सकता है अगर आप एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, अगर कोई प्लैनेट टाइडल लॉक हो टुवर्ड जस्ट लाइक इट डजंट
रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस, वो टाइडल लॉक होगा तो वो भी तो सूरज के साथ ही हमेशा, मगर उसका पिछला हिस्सा तो सूरज से पीछे ही होगा ना, वो उधर क्यों नहीं ट्रेवल कर लेते फिर? आप ठीक कह रहे हैं, मगर फिर वो सूरज से प्रोटेक्शन उनकी, जैसे मरकरी है, मरकरी का आधा हिस्सा फ्रोजन है, अगर सूरज से प्रोटेक्शन चाहिए तो पीछे आ जाओ, ठीक है ना? सो वर एम सेइंग, अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं। अब आ गई बात, हता इजा बलगा बैन सदैन वजदा मिन दूनिहुमा कौमन ला यकादून यफकहून कौला कालू या ज़ुल्करनैन इन याजूज व माजूज मुफ्सिदून। अब वो बंदे कह रहे हैं कि याजूज माजूज फसाद कर रहे हैं आके हमारे पास, मुफ्सिदून फिल अर्द। अब मैं इसकी भी तफसील में इसलिए नहीं जा रहा कि अब बस यहाँ पे बता दिया अल्लाह ने, इसकी बात तो कुछ बताया नहीं कि वो भी ना आएगा कि एक खास कौम है जो कि हमें आके तंग करती है, दो कबीले याजूज और माजूज के। सो उसके साथ उन्होंने क्या किया फिर? नाउ इफ ये अस्यूमिंग कि वाकई में दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे सूरज से प्रोटेक्शन का मसला है, ठीक है, तो फिर कहीं और गई है। फिर वो अगर हम ये देखते हैं कि वो मगरिब और मशरिक का जो मैंने मतलब बताया आपको कि सूरज कहां से पैदा होता है, कहां पे मरता है, क्योंकि दुनिया में अगर सूरज गुरूब नहीं होता तो याजूज माजूज बाहर है, फिर यहां से साफ समझ आ गई। क्योंकि अगर दुनिया में सूरज गुरूब नहीं होता तो ये उस जगह गया हुआ है जहां पे सूरज असल में गुरूब हो जाता है। दुनिया में अगर सूरज गुरूब होता भी है समझ लें तो काले रंग के पानी के अंदर नहीं जाके गुरूब होता, ठीक है। सो ही हैज टू गो समवेयर विच इज अदर देन दिस प्लैनेट, एंड no star drops into a planet every night and then comes out somewhere every night every morning. तो दुनिया के अंदर ग्रूब होता है, फिर दुनिया के अंदर से कहीं से निकलता होता है, हमें तो अब पता है इस बात का। सो अगर दुनिया के अंदर सूरज ग्रूब नहीं होता किसी काले रंग के कीचड़ में, तो इसका मतलब है याजूज माजूज भी किसी उसी इलाके के पास है, बैन सद्दैन, दो बैरियर्स के बीच में। बैन सद्दैन का मतलब है, अच्छा हर जगह पर जबल 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 आ रहा पहाड़ में, यहां पे आके सद्दैन कर दिया अपने पहाड़, सद्दैन का मतलब पहाड़ कहां से हो गया इधर, सिवाय इस जगह के बाकी हर जगह पे पहाड़ का लफ्ज कोई और है, यहां पे जबरदस्ती पहाड़ का लफ्ज सद्दैन कर दिया। फिर अच्छा रवासी का वर्ड भी तो कहीं यूज हुआ, सदा फाइन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मैं वो पीछे की आए थे, तो सदा फाइन का लफ्ज भी जहां पर इस्तेमाल हुआ वहां पर भी इन्होंने पहाड़ का लफ्ज निकाल दिया। सद्दैन पहाड़ है या सदा फाइन पहाड़ है, पहले तो ये फैसला कर ले, ठीक है। अगर ये नहीं है पहाड़ तो फिर ये अलग अलग चीजें, अल्लाह ने भी इनको अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, विच इज नॉट माय ओपिनियन, ये खाली मैं नहीं हूं जो कह रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इट इज नॉट ए स्मॉल मैटर जस्ट टू, हाँ जी गुजार दिया हमने बात को, याजूज माजूज की एक्सप्लेनेशन इतनी जरूरी नहीं है, आई स्वेयर इतनी दज्जाल की एक्सप्लेनेशन है इधर, क्यों? क्योंकि ये वो रास्ते अगर हमें ना पता चला तो हमें ये नहीं पता चलेगा दज्जाल निकाल कैसे रहा, तो फिर जाहिर है आम बंदे ने खुदाई का दावा मानना नहीं है उसका। जब उसको ये बातें समझ आएंगे आम मुसलमान को, तो वो कहेगा कि मियां को ज्यादा बड़ा कारनामा नहीं, महाराज ज़ुल्करनैन भी ऐसे ही करता फिरता था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं मैंने कौन से ट्रेजेक्टरी पे जाना है, अगर आज पोर्टल खुल भी जाती है किसकी हिम्मत है जाने की, क्या पता कब वापस आएंगे, अभी बच्चे पीछे क्या हो जाएगा उनका। ये पोर्टल के ऊपर जाने के लिए नहीं बताई जा रही, ये उनके होने का बताया जा रहा है। ये अंबिया की ताकतें थी जो ऊपर जाते थे अपनी अपनी मारिज पे और वापिस आके हिदायत की और पीक पे लेके आते थे दुनिया को। हमारा काम यह है या तो भागे थे से करते जा रहा थे, या जब वो आए तो हमें पता हो कि भाई हमारे पास भी ये दरवाजे हैं, हमें भी पता है, हमारे अंबिया भी जाते रहे और ज़ुल्करनैन भी जाते रहे, आके ज़ुल्करनैन को जान के अल्लाह ने कहा नबी नहीं है, ताकि लोगों को यह भी ना रहे कि यार सिर्फ नबी जा सकते हैं, वरना तो यार जब नबी का दावा करेगा तो कहेंगे हाँ यार देख इदरीस भी गए थे, अल्लाह के नबी भी गए थे, ईसा भी गए थे और मूसा भी गए थे, सो ये भी नबी होगा। साफ साफ पता चल रहा है कि अल्लाह ने इसको नबी भी होने दिया कि किसी को ये ना शुबा रह जाए कि सिर्फ नबी को ये पोर्टल मिलती, मगर पोर्टल देनी जरूरी है क्योंकि दज्जाल ने पोर्टल खोलनी। अब याजूज माजूज के दौर में जो जिंदा होगा वो इसके थ्रू बचेगा नहीं, उसको सिर्फ अतीसा ने, अल्लाह ताला ने अतीसा के थ्रू उस पहाड़ में बचाना है, उसका कोई काम नहीं, सिर्फ कहा पर याजूज माजूज से बच जाए। सो आई डोंट नो पीपल आर क्रेजी अबाउट याजूज माजूज, याजूज माजूज उसका क्या काम है हमसे, पहले दज्जाल ने आना है, पूरा मामला होना है, उस वक्त देखेंगे। याजूज माजूज की फायदा यह है कि उसके थ्रू पोर्टल एक्सप्लेन हो रही है, और ये जो है ना अंतज अला बैना बैना ना बैना हम सद्दा, ये सद्दा का जो लफ्ज है ना, ये दीवार, ये भी बेसिकली हमने पहाड़ बना दिया इसको, इसको क्यों सद्दा क्यों पहाड़ है, इसका बैरियर मतलब है। सूरह यासीन ने भी यही बताया अल्लाह ताला ने, और ये मैं दोनों तफसीर थ्रू
द कुरान खुद बता रहा हूँ, सूरह यासीन में सूरज की भी ट्रेजेक्टरी का बता दिया और सदना का भी मतलब सूरह यासीन में ही है कि भाई इनके क्यामत वाले दिन इनका बैरियर ऐसा होगा इनको नजर नहीं आएगा, ये भी वही वाला लफ्ज़ सदना है। बस बस कहानी खत्म करें इसको। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि वो साइंस का इल्म हो जाएगा, सब कुछ करने में पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी तरक्की हो जाए, बेयर मिनिमम पे आपको पता जरूर होना चाहिए बच्चे को, हर बच्चे को बताएं कि ये कुरान पाक ने बताया है, जब दज्जाल को देखना तो ये ना समझ लेना कि कोई खुदाई ताकत इसने पकड़ ली है और ये कोई अल्लाह का अवतार है नीचे उतर है, ये हमारे आम से बंदे करते रहे हैं पहले, बस ये मकसद है इसका। इसमें कोई वो इसे कहना लार्जर देन लाइफ कॉन्सेप्ट ना रखें, इस प्योर लाइफ, दैट्स हाउ हाउ लाइफ इज लिव्ड बाय पीपल, वी जस्ट डोंट नो, वी जस्ट डोंट वांट टू नो एंड वी जस्ट यू नो गो थ्रू दिस लोअर साइकोलॉजी। इधर सावा भाई ने सदफाइन, यहां पे फिर उन्होंने पहाड़ लिख दिया, कभी सदा पहाड़, कभी सदफाइन पहाड़, कभी नो वो एक और भी है जो जबल है वो भी पहाड़। सो अगर हम सेंगे इस तरह मत, फिर दज्जाल से नहीं बचने वाले हम अगर ये मामला रहा।